खबर दुनिया में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं मध्य प्रदेश की खास खबरों को। भारत के हृदय कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में अब महापुरुषों की मूर्ति हटाने को लेकर विवाद बढ़ चुका है। विवाद अगले स्तर पर पहुंच चुका है क्योंकि ये विवाद तब से शुरू हुआ था जब ये मूर्तियों को हटाया गया था और इसी को लेकर अब कमलनाथ सरकार निशाने पे है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री पहुंचे और उन्होंने ये सवाल जवाब किया है कमलनाथ सरकार से और छिंदवाड़ा के सांसद नकुल नाथ से कि क्या जिस तरह से कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है लेकिन इस तरह से महापुरुषों का अपमान यहां होता रहेगा और हम चुपचाप बैठे सहते रहेंगे, ये बिल्कुल सहन करने योग्य नहीं है, ये निंदनीय है। जिन लोगों ने शिवाजी महाराज की मूर्ति को गिराया है, उनका अपमान किया है, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। इस दौरान उन्होंने राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि सांसद नकुल नाथ जो कि कमलनाथ के बेटे हैं, उन्होंने कहा था कि छिंदवाड़ा की जनता इतनी सक्षम है कि अपने पैसे से जन भागीदारी करके शिवाजी महाराज की मूर्ति लगा सकती है, तो क्या मूर्ति को लेकर राजनीति हो रही है। चलिए आइए सुनते हैं कि आखिर किस तरह के आरोपों में घिर चुकी है मध्य प्रदेश सरकार। अभी मूर्ति के नाम पर राजनीति ना करें, विकास भी देखें, लंच करें। आप मूर्ति गिराओ, हम बात भी ना करें। ये मध्य प्रदेश है, नकुलनाथ जी समझ लें और कमलनाथ जी समझ लें, शांति का टापू है लेकिन अगर महापुरुषों को अपमानित किया तो चैन से नहीं बैठेगा। और अब कह रहे हैं कि हम वहां जा रहे हैं तो राजनीति कर रहे हैं। ओछी राजनीति करना कांग्रेस के स्वभाव और संस्कार में होगा। भारतीय जनता पार्टी के ना तो संस्कार है ना स्वभाव है, मेरा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा जांच के आदेश दिए हैं कि बुंदेलखंड जो पैकेज था उसमें बंदर बांट हुई है, उसकी जांच। अब वो जिसकी जांच करना हो करा ले, पूछने मना कौन करता है। लेकिन इस सरकार में क्या हो रहा है, लूट की, लूट के धन कूटने की विकृति एक पैदा की है मध्य प्रदेश में और भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण कर दिया है इस सरकार ने। जहां देखो वहां धन की लूट चल रही है। पहले इसका जवाब दें और जो करना हो करें, नहीं करेगा हिंदुस्तान सहन नहीं करेगा। और अब ये बात की जा रही है कि नहीं हम तो अपने पैसों से लगा देंगे, पैसों का अहंकार दिखाना, दंभ भरना, पहले प्रतिमा गिराना, ये दंभ और अहंकार सह नहीं करेगा देश और सौसर भी और छिंदवाड़ा भी। महापुरुषों के सम्मान को हम खड़े रह के नहीं देख सकते। और जिनने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अपमान किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और तुम्हारे पैसे से काय के लिए लगेगी, सामर्थ है सौसर में, सौसर की जनता में, राष्ट्रभक्त वहां भी जिंदा है, छत्रपति शिवाजी महाराज के भक्त भी जिंदा है, जन भागीदारी से प्रतिमा लगेगी। मैं लगा दूंगा, इस दंभ को भी चूर चूर करेंगे। और इसलिए आज मैं सौसर जा रहा हूं।